व्यू लंगल मार रहा था राजा यहाँ से प्रॉपर आ रहा है और हम लोग थोड़े अच्छे दिख रहे हैं इसलिए यहाँ से दिखा रहा हूँ। हेलो गाइस, आ गए हैं हम वापस से अपने व्लॉगिंग वाले दुनिया में और आज आप देख रहे हैं मेरे साथ कोई नया चेहरा है, काफी मुस्कुरा रहा है अगला। हेलो कर दो, इधर देखो। हेलो फ्रेंड्स, हेलो कर दिए। और ये देखिए आप पुराना संगी। वालेकुम अस्सलाम भाई। आज जैसे कि आप जान रहे हैं फ्राइडे है, दिख रहा होगा टोपी उपी लगा के हम लोग नमाज पढ़ के अभी अभी निकले हैं। सोचा आपको एक काफी पुरानी मस्जिद दिखा दें जो कि बनारस में है, ऐतिहासिक मस्जिद। ऐतिहासिक मस्जिद आज भी भाई हम गए थे वहाँ पे इंटरव्यू देने। आज भी अगला एक और जगह इंटरव्यू दे के आ रहा है, डेली इंटरव्यू एक पे एक, डेली डेली इंटरव्यू दे रहा है, हर जगह सेलेक्ट हो रहा है और कैंसिल करके आ जा रहा है। वो फाइनेंस वाला मैंने बताया था, जॉब पे लात मार रहा हूँ, वो वहाँ पे भी जाके कैंसिल। और आज गया था, कहाँ पे गया था भाई? एविएशन उसमें गया था, एयरपोर्ट के जॉब के लिए ग्राउंड स्टाफ। अब बताओ बताओ। और जाके वहाँ पे कैंसिल कर दिया भाई ने, इसलिए कि क्लीन सेव करने के लिए बोला गया इन्हें। और इन्होंने बोला कि हमको अपना जेंडर चेंज करना पड़ता अपने जॉब के लिए, इसलिए ताड़ी मूछ आपको हटानी होगी। इस वजह से भाई ने बोला कि नहीं यार मर्द ही ठीक हूँ, तो जॉब मना करके आ गया। और ये बीच में भाई जो बैठा है वो मेरे व्लॉगिंग की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जहाँ पे हम जा रहे हैं वीडियो बनाने अपने को पता है नहीं कुछ, तो आपको स्टोरी कुछ बता सके इसलिए ये सब तैयारी हो रही है भाई। ये एरोप्लेन का मैकेनिक है। हाँ, एरोप्लेन यही बनाता है भाई, जो इधर से बाबतपुर से उड़ती है, तुम लोग देखते हो ना, तो अगला उधर ही काम करता है, एरोप्लेन की पहिया साफ करता है। पहिया साफ क्या भाई, अगला वाली हाथ से रोक के वो भी। मिशन इम्पॉसिबल आप लोगों ने देखा होगा, उसमें जब जो पहिया पे लटका रहता है ना, एक रोल इसी का है, चेहरा लगा दिया गया कट करके, टॉम क्रूज का चेहरा लगाया गया, बस रोल ये निभाया था इन्होंने। काफी एयरप्लेन वाले उसमें रोल किया है, क्रिश 3 में रोल किया है। हमने कंधे पे पहिया लिया था इन्होंने, बहुत मजबूत कंधा है इनका, पूरे घर का बोझ संभालते हैं बेचारे। एक आपको ये भी काफी प्राचीन है जो आपको सामने दिख रहा होगा, करोड़ साल पहले जब इंडिया था। 10,000-20,000 करोड़ साल पहले का है ये। ये आप देख रहे हैं, ये काफी प्राचीन मंदिर है भाई और काफी खूबसूरती से इसको बनाया गया है और काफी भव्य भी है। और ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये भाई दरारा मस्जिद की तरफ जाता है, जिसका पुराना नाम आलमगीर मस्जिद, समझे भाई। और ये बनारस की गलियां है, आप देख सकते हैं काफी पतली गली है और ये हमको बहुत दिनों बाद खाली दिख रही है भाई, जो कि खाली होती नहीं है। रास्ता भी हम लोगों को ज्यादा ध्यान है नहीं, क्योंकि काफी कम गए हुए हैं वहाँ पे। मुझे पता है नहीं, ये बीच में मेरा जो संगी बैठा है ये रास्ता बताता है, मुझे पता है रास्ता, मुझे पता है, सब रास्ता जानता है ये मेरा खुफिया रास्ता है, आगे से राइट रास्ता पता है। असल में ये हमारा गूगल मैप है, इसको सब रास्ते पते रहते हैं। एक बार हमें रास्ते में ले जा रहा था, सीमेंट में गिरा दिया। कट कर दो ये कट होगा। ये हमारे पे इंजाम लगाया जा रहा है। बनारस की गलियों को देख के आपको काफी स्वाद आ रहा होगा, क्योंकि भाई जो यहाँ पे रहा है वही इसका मजा जान सकता है कि बनारस की गलियों में गाड़ी चलाने का क्या मजा है। आप कभी भी नहीं जानते कि आगे कौन आ जाए और कब लड़ जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाए। काफी बड़ी चौड़ी चौड़ी गलियां हैं यहाँ पे, इतनी बड़ी गली है भाई की, इधर से आप तो अपनी पर्सनल लैम्बोर्गिनी से है भाई। यहाँ पे देखिए ट्रक वगैरह निकलने में कोई दिक्कत नहीं होती, हालांकि स्कूटी निकालने में थोड़ी दिक्कत हो जा रही है, लेकिन ट्रक आराम से आपका निकल जाएगा। ये गली देखिए भाई, एक हाथ की भी नहीं है पर स्कूटी निकल रही है काफी तेजी से, पता नहीं कैसे निकलती है ये। इस गली का खुद ही आपस में अपना चमत्कार है ये, कि गाड़ी निकल जा रही। और आप मानेंगे नहीं, लेकिन इतनी पतली गली में ही चौराहा भी बना हुआ है। हाँ, तीन तीन तरफ से रास्ता आ रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं अपने मंजिल के रहा हूँ। भरा हुआ मेरा पैर, देखिए दोस्तों मेरा पैर तो अंदर रखा हुआ है, बट ये जो ब्लॉग बना रहे हैं उनका पैर बाहर है।
क्योंकि यहाँ से ट्रक निकल सकती है बट मेरे पैर पे काफी खतरा है दोस्तों, मेरा पैर कभी भी टूट सकता है क्योंकि ये लोग पता नहीं कैसे गाड़ी चला रहे हैं। अभी तक मेरे पैर पे 4 बार चोट लग चुकी है और ऐसा लगता है कि घर जाते जाते मुझे एक व्हील चेयर लेना होगा। पतंग गिरी है तो उठा लो, खिचड़ी आ रही है उड़ाया जाएगा। बस हम लोग अपनी मंदिर की ओर पहुंच ही गए हैं। ये सामने देखिए, ऊपर आप देख सकते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है व्यू तो वो मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में। ये देखिए सामने यही मस्जिद है, काफी पुरानी है, आप इसके पत्थर से पूछ सकते हैं ये कितनी पुरानी है, ये कितनी पुरानी है। साले मुंह नहीं होते हैं। नहीं, मुंह भी होते हैं, बस आपको सुनने के कान चाहिए कि आप क्या उसकी आवाज सुन पा रहे हैं। हम आ चुके हैं और ये मस्जिद है कि काफी काफी खूबसूरत है। थोड़ा पास से मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देखें किला है। और इस मस्जिद की काफ़ी पुरानी स्टोरी है जो कि मैं आपको आज बताऊंगा, मुझे पता है नहीं लेकिन आपको बताऊंगा क्योंकि आपका जानना जरूरी है। भाई तुम्हें कुछ पता है कि नहीं इस मस्जिद के बारे में? काफ़ी कुछ पता है लेकिन सब झूठ पता है। हाँ। बताऊंगा तगड़ा तगड़ा। हाँ सर, इतनी सच्चाई से आपको झूठ बताएंगे कि लकड़ा नाना। हम लोग चलते हैं भाई मस्जिद के अंदर, आपको दिखाते हैं व्यू यहाँ का। तो सबसे पहले इंटर होते हैं हम लोग, ये देखिए भाई इंटर होते ही ये मस्जिद है। क्या आलीशान मस्जिद, कितनी खूबसूरत है वो आपको देख के ही समझ में आ गया होगा। ये पूरा व्यू है और यहाँ पे ये दो किला था, तो ये दो किला काफ़ी ऊंचा था भाई। अभी हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये कितना ऊंचा था भाई। किला इतना बड़ा था ये दोनों कि यहाँ पे पहले की जब सरकार थी, कई हजार साल पहले नहीं, हम कह सकते हैं कई लाख साल पहले, जो यहाँ पे जब हेलीकॉप्टर आती थी तो उस पर फंस जाती थी और उसके वजह से एक बार तो हेलीकॉप्टर इधर ही उतारना पड़ गया था क्योंकि फंसी हुई थी, दूसरी हेलीकॉप्टर बुलाया गया था। ये वाला न्यूज़ पढ़े थे कि नहीं? गवर्नमेंट अभी पता नहीं उड़ा पा रही थी यार। इधर से देखिए थोड़ा व्यू लंगड़ मार रहा था राजा, यहाँ से प्रॉपर आ रहा है और हम लोग थोड़े अच्छे दिख रहे हैं इसलिए यहाँ से दिखा रहा हूँ। नहीं तो देखिए वो पीछे जो आपको ये दो किला दिख रहा है, यहीं पे खड़ा होकर लंगड़ मारता था राजा। हाँ। तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर फंस जाती थी जैसा कि लोग बताते हैं, और हेलीकॉप्टर फंसती थी तो उसके वजह से इस किला को वहाँ से थोड़ा सा काट दिया गया। हाँ, थोड़ा सा काटा नहीं गया, ऐसा नहीं बोलते, डोरेमोन की स्मॉल लाइट छोड़ा किया गया। हाँ, थोड़ा सा छोटा कर दिया गया। देखिए ये पूरा मस्जिद का व्यू है, एक तरह से समझ लीजिए आप दिल्ली में अगर गए हैं जामा मस्जिद देखे हुए हैं तो कुछ वैसा ही फील, कुछ हाँ छोटा कॉपी नहीं कह सकते, बहुत छोटा कॉपी आप ये कह सकते हैं कि वही फील आपको दे रहा है बनारस में। अपना पर्सनल यहाँ पे वाटरफॉल भी है हम लोग का, ये देखिए यहाँ पे आते हैं लोग वजू बनाते हैं। ये पूरा क्या खूबसूरत हाथ दिख रहा है, कोई हाथ लेगा मेरा? ये देखिए भाई वो सब खैर बात की बातें हैं। तो यहाँ पे वजू बनाया जाता है यहाँ पे बैठ के, और ये पानी हमेशा साफ रहता है, ऐसा बताया जाता है कि पानी कभी ये गंदा नहीं होता, लेकिन होता है ऐसा लोगों का मानना है। वो हेलीकॉप्टर वाला बताया हूँ इन लोगों को, समझे कि हेलीकॉप्टर यहाँ पे फंस गया था। हाँ ऊपर, तो दोस्तों हम जा रहे हैं ऊपर, ऊपर मतलब मरने नहीं, इसके ऊपर। हाँ हाँ हाँ, ₹10 में एंट्री है क्या? क्या बात कर रहे हो, हम लोग के दोस्त हैं सब लोग, भाई सब्सक्राइब कर देना हम लोग का चैनल। ₹30 कहाँ से हो गया भाई? हाँ हाँ भाई, हम सब लोग देखेंगे आपको चैनल पर। तो भाई हम लोग का डील हो गया है, ताकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को ₹500 भजाना पड़ा, पैसा देना पड़ा एंट्री लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भाई पता नहीं क्यों ₹10 मांग रहे थे हम लोग के लिए और हमें जाना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग एंटर नहीं करने देंगे मुझे। चलिए भाई खड़ी सीढ़ी ऊपर सीढ़ी जा रही है, ये देखिए दोस्त, ये देखिए। हाँ
ये देखिए सीढ़ी ऐसी है भाई कि एक पैर रखने में ही मेरी चार हो गई तुरंत। और ये इसको इस चैन को पकड़ के चढ़ना है आपको, नहीं तो आप नीचे गिरेंगे और सीधे ऊपर पहुंचेंगे। काफी मेरी जान पे बनाई ये बात को। और मैं आपको व्यू दिखाता रहूंगा पल पल का। और अगर मेरा वीडियो रुका कि मैं अब नहीं हूं दोस्त, तो अगले जुमा मुझे आप लोग मिलने आ सकते हैं। हाँ, दुआओं अगर मिलने नहीं आ सकते तो दुआओं में याद रखिए। पर मैं आप लोग अरे मुश्किल मुशक्कत के साथ ऊपर आ चुका हूँ दोस्तों। काफी हाफ गया हूँ मैं, काफी ज्यादा अच्छी चीज। उधर मुझे हार्ट अटैक आ गया था, मेरी किडनी में हार्ट अटैक आ गया था दोस्तों। पर मैं ऊपर आ गया हूँ, आपको अब दिखाएंगे एक बहुत काला सच। ये है काला सच जो कि काला हो गया है थोड़ा सा पानी की वजह से। गाइडिंग मत करो, कभी बस फोटो खींचो खत्म कर। ये देखिए भाई, उन्होंने बोला वीडियो बनाने को अलाउ नहीं है, तो मैं कोनों में आ गया, इधर छुप के वीडियो बना लूंगा। क्या भाई, काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ से। हम लोगों को मना कर दिया गया था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मेरे भाई जोगिंदर ये नहीं करना है, ये सब मत करो इस चैनल पे। ये सब इसी मस्जिद में है। और कितना खूबसूरत नज़ारा है, पूरा आगे पानी ही पानी। यहाँ पे मैं एक फ़ोटो लूँगा ज़रूर, और वो आपको थंबनेल पे दिखाऊँगा। ये सब नीचे का आपको नजारा दिखा। देख रहे भाई कितना ऊंचा है ये, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे हम आते थे पतंग उड़ाने, मेरी पतंग कट जाए तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कूदता था मैं नीचे पतंग पकड़ने के लिए। ये स्टोरी इतनी सच्ची है भाई कि आप मानेंगे नहीं। लगातार झूठ पे झूठ बता रहा है आपको, खाली कर रहा है। ये सब गलत बात है, ऐसा झूठ नहीं। आपको इंसान नहीं बोले तो उसको भी झूठ मानिएगा, बहुत बड़ा झूठा इंसान नहीं है। आखिर में इंसान बोले थे, काम भी झूठे है ना। इंसान तो हूँ मैं, झूठी है इंसान तो मैं। मुझे दिख गया है दोस्तों मिनी ब्लॉग। हाँ, ये भी अपने ये मेरा वीडियो देख करके इंस्पायर हुआ है, और उस इंस्पिरेशन से ये ब्लॉगिंग चालू कर दिया है, और बोल रहा है कि मैं तुम्हारा कंपटीटर बनूंगा। कि देखिए बनारस में ऐसे ऐसे घर हैं जो कि काफ़ी काफ़ी पुराने हैं। आपको बताने चल जाऊंगा कितने हज़ार साल पुराने हैं तो आप मानेंगे नहीं, पर आपको मानना पड़ेगा क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं। वो देखिए ऊपर कबूतर हवा का मज़ा लेते हुए। ये वही गुम्बद है जो मैं बताया था आपको। देखिए ये लोग गलत काम कर रहे हैं, इनको मना किया जा रहा है ऊपर चढ़ने में, फिर भी चढ़ जा रहे हैं। काफ़ी पतला एरिया है, यहाँ से वहाँ मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे वेट कम करके आना होगा यहाँ पे उधर जाने के लिए। ये देखिए मुझे कौन दिखा, एक खुफिया एजेंट आता हुआ इधर। और इधर से व्यू तो काफ़ी ही तगड़ा है, वो मैं आपको बता नहीं सकता, उसके लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए दस पर लेके आइएगा, लेकिन यहाँ से ऊपर चलने का दस पर लगता है। वो एंट्री फीस है भाई, इसलिए लगती है कि मतलब कुछ मस्जिद में भी हाँ काम हो सके, काम हो सके, काफ़ी पुरानी है तो यहाँ पे उससे बनवाया हाँ, जा सके, इसलिए यहाँ पे लगता है थोड़ा। ये भाई यहाँ से पूरा गंगा नदी आपको दिख रहा है एकदम क्लियर, और व्यू कितना अच्छा है आगे उधर पूरा। इसी दिन आपको यहाँ से उस पार लेके चला जाएगा। हाँ बोट से पूरा पूरा कोहरा वहाँ पे भरा हुआ है भाई। चलिए अब हम लोग यहाँ से नीचे चलते हैं, आपको ऊपर का हम पूरा दिखा दिया, अब हम हमको बाहर से दिखाते हैं कुछ व्यू वहाँ का भी। तो अपने खोए हुए साथी को लेके
मिल गया। और उनसे अपना चैनल सब्सक्राइब करवा के ही जाएंगे, आज तो 2 सब्सक्राइबर आने ही वाले हैं। यहाँ पे हमारे दोस्तों ने इशारा किया कि यहाँ से एक व्यू दिखा दो, लोगों को अच्छा लगेगा, पर मुझे तो ऐसा कुछ अच्छा दिख नहीं रहा। शायद यही वो अच्छा था इसके कहने का, कबूतर दिखाने के लिए बोला है इसने। ये तो चिट्टी है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, आज आपको हम दिखा दिए काफ़ी पुरानी मस्जिद यहाँ पे। ये आलमगीर मस्जिद है, जिसको अब धरारा मस्जिद नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ की स्टोरी मैंने आपको बताया, वो 2 गुंबद की जो ऊपर देख रहे हैं आप, वो 2 गुंबद की मैंने बताया कि हेलीकॉप्टर फंसता था, इसके वजह से उसको हटाया। तो भाई चलो, अपने यहाँ पे 2 सब्सक्राइबर नए मिल गए हैं हमें, और ऐसे ही मिलते मिलते एक दिन 10,000 सब्सक्राइबर भी पहुँचूंगा, तब मैं अपने इस दोस्त को एक फ़ोन दूंगा, आईफोन 16 प्रो मैक्स। चटोरा फोन बोला हूँ तो नहीं, आईफोन चाहिए। देखो तो आओ क्या भाई, सब इसी में बता दोगे राज, तो कहाँ से चलेगा। आइए हम लोग हैं, आप खाली नजर लगाइएगा, आपको खिलाते हैं कुछ। कृष्णा भंडार, अच्छा हम लोग जाते हैं द कृष्णा भंडार, जो 25 रुपए का एक पूरी। तो भाई आप देख रहे होंगे कि मेरे चेहरे पे आज काफी अलग सी चमक है, जो कि व्लॉगिंग करने के वक्त ही आती है। और आज का ये टॉपिक काफी पुराना था, कुछ ही लोगों ने इसको कवर किया था, तो मैं सोचा कि आपको ये चीज दिखाऊं, क्योंकि मस्जिद काफी पुरानी है और काफी खूबसूरत है, जैसा कि आपने देखा होगा पूरा व्यू। और भाई मेरा लग गया फोन पे वापस से, पता नहीं कहाँ लग जाता है, उसको छोड़ो। 2 साल का। तो चलो भाई कुछ खाएंगे, तो आपको वो दिखाते हैं कि क्या आज हम लोग बनारस का फेमस खाने वाले हैं। और आप भी आओ, कभी बाहर निकलो तो जरूर से ट्राई करना। तो चलो मिलते हैं आगे भाई। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इंटरव्यू में मेरा दोस्त लगा हुआ है, काफ़ी टाइम से काफ़ी जगह इंटरव्यू दे रहा है, तो अभी इसको एक कंपनी से आया है, ये जा रहा है आसाराम बाबू के नीचे काम करने, और वहाँ पे अगला जाता है भाई, जहाँ काम करने जा रहे हो तुम, नौकरी नहीं लगी। तो भाई ये जा रहा है अगला आसाराम बापू के नीचे काम करेगा बैठ के, अब वो तो थोड़ा सा गलत हो गया, गलत सारी गलती हो गई, बट वही है, अगला किसी के नीचे तो काम करेगा, और अगले को काफी मजा आने वाला है। और कुछ खाने हम लोग जा रहे थे, ये पता नहीं कहाँ लेके हमको जाने लगा है। समोसा जा रहा खाने, कहाँ जाए, शायद हो सकता है समोसा ही खाना पड़े आज, क्योंकि फ्राइडे को इस टाइम में 2:30 बज रहे होंगे अभी, और इस टाइम में आपको समोसा काफ़ी अच्छा मिलता है बनारस में, क्योंकि इसी टाइम पे बनता है। और यहाँ पे काफ़ी फेमस है श्री त्रिलोचन, को दिखा देता हूँ, और ये बन रहा है यहाँ पे समोसा, ये ऊपर देखिए शॉप है, वहाँ पे शॉप वाले मालिक बैठे हुए हैं, जो कि दे रहे हैं, ये खुद ही सर्व भी करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे समोसा बन रहा है, जो कि मुझे देख के काफ़ी टेस्टी लग रहा है और खाने का मन कर गया है, तो चलते हैं और कुछ समोसा वगैरह लेते हैं। और इधर देखिए काफ़ी चीज़ है यहाँ पे खाने के लिए, आप देख सकते हैं भाई, ये ठंडे का ये भी एक तरह से मेवा है, गाजर का हलवा, समोसा है, और ये भी मिठाई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं आराम से कभी भी आएँ कुछ भी खाएं। और ये देखिए यहाँ पे समोसे बन के रखे हुए हैं, इसको देख के तो मुझे एक ही चीज़ याद आ रहा है, इतने सारे क्वांटिटी में बनाए के रखे गए हैं कि जब ज़रूरत पड़े तब इसको तुरंत बना करके और सर्व किया जाए गरम गरम। तो ये आपको मैंने दिखाया, ये बन रहा है और यही मैं लेके अब खाने वाला हूँ गरम गरम। तो चलिए भाई, अपना समोसा आ गया है, काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है समोसा, और ये एक साथी मेरा समोसा खाते हुए काफ़ी खुश लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसको पैसा नहीं देना है, पर ये देगा, देखिए ये भी काफ़ी खुश है, लग रहा है ये भी आज पैसा नहीं देगा। और मैं थोड़ा सा दुखी हूँ, लेकिन आपको खुश दिख रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ। भाई आप देख रहे हैं समोसा मैं ले लिया हूँ गरम गरम एकदम, और ये मैं पहला बाइट लेने जा रहा हूँ। ढेर सारा झूठ बोलेगा, आप देखिएगा काफ़ी टेस्टी है भाई, थोड़ा तीखा मैंने बनवाया था अपने लिए, जो मुझे थोड़ा तीखा पसंद है, गाड़ी वाड़ी चल रही है, ये देखिए। तो भाई अब समोसा ख़त्म करते हैं, फिर थोड़ी देर में आपको मिलते हैं। आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? हम हाँ अरे हाँ छोटे पर से काम कर रहे हैं, कैसा लोगे आपको छोटे पर से? फिर भी कैसा साल के हैं?
40 के हैं, बताइए अंकल 40 साल से समोसा बना रहे हैं। और ये भाई लगता है कि 400-500 साल का एक्सपीरियंस है अंकल के पास, और इतना बेहतरीन समोसा बनाए कि मेरे मुंह से पानी आ गया, नहीं पा रहे इतना पानी आ गया है मुंह से भाई। तो अंकल बहुत बहुत टेस्टी आपका समोसा था। यहाँ देख रहे हैं भाई आप, ये BMW हमारी ही है, बस इधर रखे हुए हैं क्योंकि भाई तेल का पैसा नहीं, तेल का पैसा नहीं था इसलिए। तो भाई आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग वापस से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करवाना चैनल पे, वीडियोस को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर जरूर करें। चलो भाई बाय, जय हिंद दोस्तों।